देखिए एक जगह से सीमेंट उखड़ चुका है और काफी ज्यादा एडेसिव है मतलब। हे गाइस, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं अनबॉक्स अड्डा। अनबॉक्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। एंड इस वीडियो में आपको वायरल टेप के बारे में बताने वाला हूं, उसको पर्सनली मैं यूज करके उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है जिसमें मैंने सोप्सी का होल वीडियो बनाया था, 5 प्रोडक्ट मैंने परचेज किए थे, उनमें से एक ये वायरल प्रोडक्ट भी परचेज किया था, वायरल टेप भी परचेज किया था, जो कि लीकेज वाटर प्रूफ टेप है ये, एल्यूमिनियम टेप। और इसके बारे में काफी ज्यादा वीडियोज आपको मिल जाएगी, वायरल वीडियोज, जिनमें बताया जाता है कि टेप जो है कंटेनर में अगर पानी भरा हुआ है, पानी बह रहा है, तो उसमें भी टेप लगाओगे तो वो कंटेनर में पानी रुक जाएगा, वो लीकेज ठीक हो जाएगा। रियलिटी में ये सारी चीजें होती है नहीं होती, वो सारी चीजें चेक करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इस टेप की पूरी रियलिटी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने होल वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये आपको बताया था अनबॉक्सिंग करके, लेकिन अब जो है हम लाइव प्रूफ यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। इस वायरल टेप का हम टेस्ट करने वाले हैं कि वाकई में ये काम करता है नहीं करता है। तो चलिए मैं अपने काफी सारे अलग अलग एरियाज में, कंटेनर में, छत पर, रूफ पर, अलग अलग जगह पर लगा करके और इसको टेस्ट करेंगे कि ये जो है वाटर लीकेज को रोकता है नहीं रोकता है। तो चलिए मैं टेस्ट करके आपको यहाँ पर बता देता हूँ सारी चीजें। तो देखिए मैं अपनी छत पर आ चुका हूँ और इस टेप को यहाँ से आपको कवर दिखाई देगा एक प्लास्टिक का, आपको इसके ऊपर उसको हटाना है। उस कवर को हटाने के बाद आप इसे इस तरह से अप्लाई कीजिएगा, जिस भी सरफेस पर आपको इसे अप्लाई करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर दरार है छत में, उसमें इसे अप्लाई कर रहा हूँ। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, मैं जिस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ ठीक इसी तरह से अप्लाई करना है। और उसके बाद इसे अच्छे से रब करते हुए आपको इसके अच्छे से चिपकाना होगा, अदरवाइज ये ओपन हो जाएगा और अच्छे से काम नहीं करेगा। अब मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ओपन में कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए एक जगह से सीमेंट उखड़ चुका है और काफी ज्यादा एडेसिव है, मतलब काफी तगड़ा ये आप पर देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एडेसिव। दूसरी जगह मैं टैप को पेस्ट करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं टैप इसे लगाने वाला हूँ टैप को, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो यहाँ से पानी लीकेज हो रहा था, नीचे पानी जा रहा था, वो रुकेगा नहीं रुकेगा। फिलहाल मैं इसे कैंची से काट लेता हूँ, काटने के बाद, सीजर से काटने के बाद हम इसे चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद टेस्ट का जो रिजल्ट है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। अब इसे कैसे आपको हटाना है, यहाँ पर टैप के ऊपर एक व्हाइट कलर का पेपर लगा होता है, उसे हटाकर और आप इसे इजीली चिपका सकते हो, जिस तरह से मैं चिपका रहा हूँ। आपको जो भी दरार है या फिर जहाँ पर भी लीकेज है उसको ध्यान देते हुए आपको इसे चिपकाना, और चिपकाने के बाद पूरी तरह से मैं दरार पर चिपका दूंगा, और चिपकाने के बाद इसे अच्छे से आपको रब करना होगा, चिपकाना होगा, जिसकी वजह से उखड़े ना, बस यही आपको ध्यान रखना है। उखड़ने के बाद ये क्या होगा, उतना अच्छा से काम नहीं करेगा, तो आपको अच्छे से चिपकाना है और मैंने इसे चिपका दिया है। तो जिस जगह पर मैंने चिपकाया था, यहाँ पर इस जगह के ऊपर मैंने छत में चिपकाया था, और यहाँ से कल जो है काफी ज्यादा पानी आ रहा था, टिपक रहा था, और फिलहाल देखिए बारिश आ रही है और यहाँ पर कोई भी पानी टिपक नहीं रहा है, यानी कि टेप ने काफी अच्छे से काम किया है। और काम करने के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो, दोनों जगह पर मैंने चिपकाया था, किस जगह पर चिपकाया था, जहाँ से भी पानी आ रहा था, फिलहाल यहाँ पर भी कोई पानी नहीं आ रहा है, एक जगह यहाँ पर रिसाव हो रहा था। इस कंटेनर को, इस बाल्टी को मैं पानी से भर देता हूँ, देखें नीचे बॉटम में इसमें एक होल हो रहा है, यानी कि एक छेद है यहाँ पर जिसमें से पानी निकल रहा है। तो अब हम रियलिटी चेक करते हैं इस टेप की कि क्या वाकई में ये पानी को रोक पाएगा, बहाव को रोक पाएगा। तो टेप को देखिए, मैं यहाँ से टेप का कवर मैंने हटा लिया, उसके बाद इसे पानी बहते हुए पर मैंने चिपका दिया है, तो पानी यहाँ पर डायरेक्ट तो रुक चुका है, लेकिन यहाँ पर लीकेज ठीक हुआ या नहीं हुआ है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चिपका लेता हूँ पहले, एंड उसके बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे से इसे चेक करूँगा अच्छे से चिपकाने के बाद, तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का पानी टिपक रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से लीकेज प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पर नीचे से मुझे थोड़ा बहुत टेप इसमें और चिपकाना पड़ेगा, लेकिन मैंने पानी भर दिया है और नीचे थोड़ा सा टेप और लगा दिया है। अब इसे चेक करते हैं कि क्या वाकई में दूसरी बार टेप लगाने पर भी ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बार टेप चिपका दिया अच्छे से, और यहाँ पर देखिए बाल्टी के अंदर काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बाल्टी खाली है, पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और यहाँ पर देखिए वापस से पानी लीकेज होना स्टार्ट हो चुका है, हल्का हल्का पानी मुझे महसूस हो रहा है, और यहाँ पर देखिए बूंद बूंद करके पानी बाहर निकल के आना चालू हो चुका है, यानी कि यहाँ पर वाटर प्रूफिंग स्किन नहीं हुई है पूरी तरह से। अब इस पर थोड़ा और टेप अप्लाई करता हूँ, मैंने और टेप लगाया इस पर, टेप लगाने के बाद यहाँ पर देखिए अभी फिलहाल इस पर कोई भी पानी जो है टिपक नहीं रहा है, यानी कि अच्छे से यहाँ पर चिपका है, और चिपकने के बाद यहाँ पर कोई भी पानी अभी टिपक नहीं रहा है, बूंद भी कहीं से टिपक नहीं रही है। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, ये जो टेप है वाटर प्रूफ टेप है, ये वाटर प्रूफ टेप है, और ये जो टेप है मैं आपको अभी टेस्ट करके बताया, छत पर मैंने दो जगह पर इसे लगाया
और जहां पर अभी करंट में बारिश चल रही है, क्योंकि यहां पर काफी बारिश आ रही है, रेगुलर बेसिस पर बारिश आ रही है, तो एक तो जगह छत से जो है पानी रिस रहा था, पानी जो है लीकेज हो रहा था, तो उस जगह पर मैंने ये स्टेप को लगाया है। लगाने के बाद मैंने वहां पर चेक किया कि डेफिनेटली इसने काफी अच्छा वर्क किया है। एडहेसिव टेप जहां पर अच्छे से लग गया है, अच्छे से पेस्ट हो गया है, वहां पर पानी फिलहाल तो नहीं आ रहा है, और इसकी जो एडहेसिव कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव है इसके अंदर, जो कि मैंने आपको भी दिखाया टेस्ट करके। जब मैंने दिखाया था तो मैंने इस टेप को उखाड़ा, तो मतलब काफी ज्यादा ताकत लगाने के बाद ये निकलता है, और इसके साथ ही साथ नॉर्मली तो ये निकला नहीं है, जैसे एक बार मैंने चिपकाया तो बारिश आ रही है लगातार, और ये वीडियो मैं काफी दिनों के बाद शूट कर रहा हूं। जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो दिया था तो उस टाइम पर मैंने इसे अनबॉक्स किया था, एंड उसके बाद मैंने इसे यूज किया। यूज करने के बाद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड जो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया वो सारा स्टेप आपको अभी मैंने दिखाया। इसके जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है, मतलब कि मुझे लग नहीं रहा था कि वायरल टेप इस तरह का काम करेगा। मैंने इसके बाद इसे जो है अपने एक पाइप पर भी लगाया, टीन साइड में एक कंड्यूट पाइप लगाया हुआ है 4 इंच वाला, उस पर भी मैंने इसे टेस्ट करके देखा, और वहां पर भी लीकेज था, और वो लीकेज भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। यानी कि जहां पर पहले पानी टिपका करता था, पानी का रिसाव होता था, उस जगह पर भी इसे अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद वहां पर भी पानी नहीं आ रहा है फिलहाल, और छत पर मैंने इसे 2-3 जगह अप्लाई किया है, और 2-3 जगह से फिलहाल तो पानी नहीं आ रहा है। यानी कि ये वायरल टैप काफी अच्छा काम तो करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। साथ ही साथ आप इसे काफी कम कीमत में परचेज कर सकते हो, और देखिए मैंने इसे जो है 30% 40% यूज भी कर लिया है, मतलब कि मैंने इसे यूज किया है और उसके बाद ही जेन्युइन रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो वाटर प्रूफ लीकेज प्रूफ ये टेप है, ये काफी अच्छा काम करता है, लेकिन ये किन कंडीशन में काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वाटर प्रूफ टेप है ये सिर्फ जो है लीकेज को रोकने के लिए काम करता है, ऐसा नहीं है कि फ्लो को रोक देगा। देखिए किन किन कंडीशन में काम करता है, किन किन सरफेस पर काम करता है, तो देखिए अगर आपका प्लास्टिक का कोई कंड्यूट है, कोई पाइप है, तो वहां पर ये काफी अच्छा काम करेगा। छत पर अगर कोई दरार है वहां पर आप इसे लगाओगे काफी अच्छा काम करेगा। किसी मेटल के कंड्यूट पर लगाओगे, यानी कि मेटल के पाइप वगैरह पर किसी सरफेस पर लगाओगे वहां पर भी काफी अच्छा काम करेगा। विंडो वगैरह में कोई लीकेज है वहां पर अच्छा काम करेगा। तो कुल मिलाकर किसी भी सरफेस पर आप इसे लगा सकते हो तो वहां पर काफी अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप मिट्टी में लगा दो, मिट्टी में काम नहीं करेगा, और सरफेस पर काफी अच्छा काम करने वाला है जहां पर भी लीकेज है। अगर मान लीजिए आपका टैंक में या फिर बकेट में बीच में कहीं होल या ऊपर की साइड होल प्लेन सरफेस है तो इसे रोक पाएगा लीकेज को। देखिए प्रेशर को यह उतना ज्यादा हैंडल नहीं कर पाएगा, प्रेशर के लिए आपको काफी ज्यादा टैपिंग करनी पड़ेगी, लेकिन नॉर्मली ये अगर लीकेज वगैरह है, कोई 1-2 जगह लीकेज है, तो उसे रोक पाएगा। छत में से अगर पानी रिसाव हो रहा है, पानी आ रहा है, कोई आपके दरार वगैरह है, तो वहां से ये काफी अच्छा काम करने वाला है। तो अगर आप इसे बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट वाकई में काफी अच्छा मुझे लगा, इसके साथ ही साथ इसे और भी ट्राई करूंगा। लॉन्ग टर्म में मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट उतना ज्यादा वर्थ ऑफ प्राइस नहीं है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी मैंने इसे 7-8 दिन तक यूज किया है, उसके बाद ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी रेगुलर बेसिस पर हमारे यहाँ बारिश आ रही है, और छत पर जो मैंने टेप आपको लगा के दिखाया था वो टेप फिलहाल वहां पर लगा हुआ है और काफी अच्छे से चिपका हुआ है। ऐसा नहीं कि लगातार बारिश आने के बाद वो टेप उखड़ गया है, मतलब कि जैसा मैंने चिपकाया वैसा का वैसा ही है, बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है समय के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वायरल टेप को आप परचेज करना चाहते हो, काफी ज्यादा चीपेस्ट प्राइस में मैंने परचेज किया था, मात्र 123 रुपीज में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थोड़ी बहुत प्राइसिंग का वेरिएशन आ सकता है, 5 मीटर की साइज में मैंने परचेज किया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा। जेन्युइन अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल वाला बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।